प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछली वीडियो में मेंसुरेशन 8 नंबर की, अलजबरा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर के, संख्यांकी आपके 10 नंबर की यूनिट बाय यूनिट करा रहे हैं, समझा रहे हैं। हम आपको 10th क्लास का टोटल सिलेबस करा देंगे। आप आराम से घर बैठे बैठे वीडियो देखते रहें और समझते रहें और अध्ययन करते रहें, चाय ज़रूर पीते रहें ताकि आपको नींद कम आए। देखिए क्वेश्चन क्या है, आंकड़ों 16, 12, 5 की माध्यिका ज्ञात करो। अब आप देखिए अपने आंसर या सलूशन में, इस प्रकार के क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको आरोही क्रम निकालना होगा, किसका? आंकड़ों का। आरोही क्रम निकालना होगा किसका? आंकड़ों का। अब आप देखिए 5, 12, 16, ये आरोही क्रम क्या है आपका? 5, 12, 16। अब आप देखिए यहाँ पर पद कितने दे रखे हैं आपके? 3 दे रखे हैं, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 3। 3 आपका कैसा है? विषम संख्या है। 3 कैसी संख्या है आपकी? विषम संख्या है। तो आप देखिए विषम वाला फार्मूला लगाएंगे या सूत्र लगाएंगे, देखिए क्या है, ज़रा ध्यान दें। फार्मूला या आपका सूत्र क्या है? माध्यिका बराबर एन प्लस वन बटे दो बे पद का मान। एन प्लस वन बटे दो बे पद का मान, यहाँ पर एन का मान 3 है, एक जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? 4। 4 बटे दो बे पद का मान। जब आप इसको काटेंगे या भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा? 2 बे पद का मान। ज़रा ध्यान दें क्या मिलेगा आपको? 2 बे पद का मान। यहाँ पर आपको दूसरा पद निकालना है, सेकेंड वाला पद निकालना है, कहाँ से निकालेंगे? देखिए ज़रा ध्यान देने वाली बात है, जो आपने आंकड़ों को आरोही क्रम में चेंज किया था, जो आपने आंकड़ों को आरोही क्रम में चेंज किया था, तो आरोही क्रम वाला आपका सेकंड वाला पद क्या है? 12 है। आरोही क्रम में चेंज किया था तो आरोही क्रम वाला आपका सेकंड वाला पद क्या है? 12 है। तो सेकंड वाला क्या हो गया आपका? 12। तो यहाँ पर दो बे पद का मान क्या हो जाएगा? 12। यही आपका आंसर है, सलूशन है। अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम और भी आपको इम्पोर्टेंट देते रहें।